नमस्कार, न्यूज 18 सहरसा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। सहरसा से जमालपुर के बीच चलने वाली डेमू स्पेशल ट्रेन 6 जून तक जो है 4 घंटे विलंब से सहरसा जंक्शन से खुलने वाली। इसका कारण बताया जा रहा है कि मालदा में NI कार्य को लेकर जो है यह निर्णय लिया गया है, जहां सहरसा जंक्शन से 4 घंटे विलंब से जो है यह ट्रेन खुलेगी। आपको हम बता दें, इसकी पूरी जानकारी हम आपको दे दें कि आखिरकार ये कारण क्यों है। अगर आप 6 जून तक सहरसा से जमालपुर के लिए ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल सहरसा से जमालपुर जाने वाली डेमो स्पेशल ट्रेन 6 जून तक जो है 4 घंटे विलंब से सहरसा जंक्शन से जमालपुर के लिए खुलेगी। परिचालन के समय सारणी में किए गए बदलाव का कारण बताया जा रहा है कि मालदा डिवीज़न में 1 जून से NI कार्य होने के कारण ये निर्णय लिया गया है, जिसकी जानकारी पूर्व मध्य रेल के CPTM ने पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि प्रतिदिन सहरसा से जमालपुर जाने वाली डेमू ट्रेन के खुलने का समय सुबह के 5:15 है, जो सहरसा से खुलती है, जो 6 जून तक 4 घंटे देरी से जो है सहरसा जंक्शन से खुलने वाली है। सहरसा जंक्शन से जमालपुर के लिए सुबह 9:15 पर खुलेगी। हम आपको अभी का अपडेट बता रहे हैं, जो 4 घंटे विलंब से जो ट्रेन खुलने वाली है वो अब 9:15 पर जो है 9:15 पर सहरसा जंक्शन से खुलेगी। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि वापसी में जो ये ट्रेन जमालपुर सहरसा बनकर जो वापसी में आती है, यह ट्रेन जो है अपने निर्धारित समय से जमालपुर से खुलेगी। वहां से जो है इसका कोई समय में जो है कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जमालपुर तरफ से यह ट्रेन अपने नियत समय पर चलेगी। यह ट्रेन सहरसा से खुलने के बाद मानसी, खगड़िया, मुंगेर, जमालपुर के अलावा भागलपुर जाने वाले यात्री भी इस ट्रेन में सफ़र करते हैं। तो 6 जून तक अगर आप सहरसा से जमालपुर जाना चाहते हैं तो ये समय जान लीजिए आप। अब जो ये समय है 6 जून तक, ये समय जो है 9:15 पर जो है सहरसा जंक्शन से खुलने वाली। साथ ही साथ भागलपुर जाने के लिए भी यात्री जो है इस ट्रेन का सहारा लेते हैं, जमालपुर तक जाते हैं। और जो मालदा डिवीज़न में जो NI कार्य है हो रहा है उसको लेकर यह निर्णय लिया गया है।